उपचार प्रमुख से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के उद्धवगढ़ से आज भी वो उपचार प्रमुख ही है और मैं नीरज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा ऑफिस खोला है और उनके प्यार के खातिर मैं यहाँ पे आया। हमारे एडवोकेट नीरज साधवानी जी ने जनसंपर्क कार्यालय खोला है 40 सेक्शन में आरसी पार्क के सामने। मैं समझता हूँ ये वार्ड में ओटी के साइड है लेकिन ये साइड में फर्स्ट टाइम बीजेपी का ऑफिस खुला है, उसके लिए आज मैं उनको करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ और बधाइयां देता हूँ। और चाहूंगा कि जैसे हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको बरकरार रखेंगे। पब्लिक की समस्याएं जो भी हैं वो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग भी पैनल नंबर ये 19 ही है, उसमें आज ये 2.5 वर्ष हो गए, ज्यादा 5 वर्ष से ज्यादा चुनाव ही नहीं हुआ है, 5 वर्ष के 7.5 वर्ष हो गए हैं। हम लोग भी सोशल वर्क कर रहे हैं लेकिन जो भी एडवोकेट की तरफ से जो प्रॉब्लम आएंगे, कोई किसी का समझिए लड़की का प्रॉब्लम है, लड़के का प्रॉब्लम है, पुलिस का प्रॉब्लम है, तो हम लोग आज के बाद नीरज साधवानी साहब के पास ऐसे प्रॉब्लम्स भेजेंगे और चाहूंगा कि वो ऐसे जो गोर गरीब हैं, गरीबों का निशुल्क फ्री ऑफ कास्ट उनका काम करेंगे, यही अपेक्षा रखता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो एक विशाल पार्टी है और हमारे मुख्यमंत्री साहब हो वो भी भारतीय जनता पार्टी के बगैर महाराष्ट्र में भी नहीं आ सकता कोई मुख्यमंत्री, भारत में भी पंत प्रधान हुए हमारे मोदी साहब, तो ये 5 वर्ष तक तो हमारी सत्ता है रहेगी। महाराष्ट्र में भी जो आने वाले अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चुनाव होंगे तब उसमें हमारे सरी का एडवोकेट नीरज साधवानी जी काम करेंगे। और यहाँ से 5 नंबर में जैसे इस दफे मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बाकी भाषाओं ने भी वोट दिया है लेकिन श्रीकांत शिंदे साहब को जो उल्लासनगर से लीड मिली है पूरे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से नहीं मिली है, सभी सिटी लोगों ने मोदी साहब को देखते हुए इतने 65,000 रुपए की 65,000 की लीड जो उल्लासनगर से चलाई है वो काबिले तारीफ है और आने वाले एमएलए के चुनाव में वो भी हम लीड बढ़ाएंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है उल्लासनगर 5 में एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय खुलने के लिए जो आज इतने सब जमा हुए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और बंटी कुर्सेजा जी के अध्यक्षता में आज जो यहां पे एक कार्यालय खुल रहा है बीजेपी का, मैं नीरज जी को भी नीरज साधवानी को बधाई देता हूं और यहां की जो आम जनता है उसके लिए ये कार्यालय वक्त के हिसाब से खुला रहेगा, जैसे किशोर भाई बताएंगे बाद में कौन से वक्त खुला रहेगा। और उस वक्त में आप नीरज जी से कोई भी काम हो तो आप मिल सकते हैं, किसी व्यापारी का कोई प्रॉब्लम हो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पे नीरज जी से नहीं होता है तो नीरज जी हमसे संपर्क करके आपका काम किसी न किसी तरीके से करवाना हम लोग उनकी सबकी जवाबदारी है। तो मैं आज ये जो मुझे जो 5 नंबर का प्रभारी पद मिला है उसके आप पहला समझो गिफ्ट नीरज जी ने आज मुझे दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज ये पहला जो कार्यालय खुला है ऑफिस का मतलब जनसंपर्क कार्यालय में जनसंपर्क कैसे होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे मिल सकते हैं, तो ऐसा ही नीरज जी ने यहाँ पे जो व्यवस्था की है तो मुझे लगता है कि आजू बाजू के परिसर में सभी लोगों की छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम होगी वो नीरज जी सॉल्व करेंगे। और बाजू में राजा वानखड़े की भी जो ऑफिस है वहाँ पे भी इसी तरीके की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है बड़ी हो तो भी चलेगा, राजा वानखड़े जी सॉल्व करेंगे बिल्कुल। ये देखिए बीजेपी के साथ में नीरज जी के साथ इनका प्यार है और ये आए हैं, हम सबसे हमेशा ये साथ में रहते हैं और मैं चाहूँगा कि आगे चल के ये भी बीजेपी में शामिल हो जाए, यही शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।